हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड रेसिपीज बाय संगीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रोफेशनल हलवाई वाले टिंडे बनाना सिखाऊंगी, जो शादी ब्याह में, भंडारे में जो हलवाई सब्जी बनाते हैं वैसी सब्जी, जो वो ट्रिक्स और मेथड्स यूज़ करते हैं उन्हीं ट्रिक्स और मेथड्स के साथ मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। मिनटों में बन जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। जो लोग टिंडे नहीं भी खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे इस टिंडे की सब्जी खाने के बाद। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। भंडारे वाले टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मुझे चाहिए आधा किलो टिंडे, जो मैंने धो के पोंछ के रखे हुए हैं, 2 से 3 लंबी कटी हुई प्याज, 2 से 3 टमाटर जिसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, 2 टेबलस्पून ऑयल, और मुझे चाहिए यहाँ से 10 से 15 काली मिर्च के दाने और 2 मोटी इलायची, और इसके अलावा मुझे चाहिए कम से कम 10 लहसुन के फांके। ये सारी चीजों की आवश्यकता है मुझे, और मसाले मैं आपको अभी बताती हूँ। मसालों में मुझे चाहिए 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए 1/4 मैंने चम्मच लिया है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का, और 1/2 चम्मच मुझे चाहिए हल्दी पाउडर, और 1/2 ही चम्मच चाहिए यहाँ पे मीट मसाला पाउडर। मीट मसाला पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो नॉन वेज नहीं खाते वो सोच सकते हैं कि हम मीट मसाला पाउडर क्यों डालें। ऐसा नहीं है कि मीट मसाला पाउडर में कोई मीट होता है, ये सिर्फ खड़े मसालों का मिश्रण होता है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और तो ये कोई भी खा सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें डालेंगे तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट आपकी टिंडे की सब्जी बनेगी, और आप बना के घर में ट्राई भी करके देख सकते हैं। भंडारे वाली टिंडे की सब्जी का टिंडे काटने का स्पेशल तरीका होता है। अब ये देखिए वो क्या करते हैं, हलवाई सबसे पहले ऊपर की टिप काटते हैं और नीचे का ये वाला पोर्शन काटते हैं, दोनों तरफ के टिप्स काट के सेंटर से हाफ करके अगेन इसको हाफ कर देते हैं, तो एक टिंडे के 4 पीसेस करते हैं ऐसे। आप ये देखिए मैंने सारे टिंडे काट लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसमें ये वाली सब्जी जो है आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है और तेल डाल दिया है। अब मैं तेल गर्म होने का इंतजार कर रही हूँ। मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो मेरी कटी हुई लंबी प्याज है वो डाल दूंगी। अब इसको चलाते हुए और हल्का सा सौते होने देना है। अब मैं अपने कटे हुए टिंडे भी इसमें डाल देती हूँ और उनको भी ना प्याज के साथ फ्राई कर दूंगी। याद रखिए गैस का फ्लेम हमें ना फूल पे ही रखना है, तेज आंच पे ही सारा काम करना है। जब तक मेरे प्याज और टिंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपने लहसुन को सिर्फ एक बार कूट के रखूंगी। ये देखिए आप इसको सिर्फ एक बार कूटना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का हल्का कूट दीजिए बस ऐसे, और इसको भी मैं अपने कढ़ाई में डाल दूंगी। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, एक बार बस कूटते हैं। अब हम अपने मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसाले डालने के बाद आप गैस की आंच कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी डालेंगे, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आज मैं आपको टिपिकल टिंडे की हलवाई वाली सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, और जो लोग टिंडे नहीं खाना पसंद करते अगर वो एक बार ये सब्जी खा लें तो डेफिनेटली उनको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। अब मैं अपनी कूटी हुई काली मिर्च भी इसमें डाल देती हूँ। इसको भी मैंने दरदरा ही कूटा है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना, दरदरा ही कूटना है। ये देखिए ये भी मिक्स कर दीजिए। ये मुंह में आती है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
अब मैं अपनी मोटी इलायची को एक बार कूट के, एक या दो बार कूट के इसमें डाल दूंगी। बस ये देखिए, हल्का सा खोल दीजिए, बस इतना ही करके हमें इसमें डालना है। ये देखिए, अब आप फिर से अच्छे से चला लीजिए। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक भी हम डालेंगे इसमें अभी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर देती हूँ ऐसे लगातार चलाते हुए, बस इसको मिक्स कर देती हूँ। मैंने मसालों के साथ इसमें मीट मसाला भी डाल दिया था। अब फाइनली भंडारे वाले क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे चॉप्ड टमाटर अब इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और याद रखेंगे कि हमें हिलाना नहीं है। और इसको हमने डालने के बाद गैस बिल्कुल सिम पे कर ली है और हिलाना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक ढक के पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में अब हमें इसे चलाते रहना है, हर 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे अक्सर हम जब भंडारे वाली सब्जी खाते हैं तो सोचते हैं वो इसमें क्या मसाले डालते हैं तो उनकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है। चाहे हम उनके टिंडे खा लें, चाहे आलू की सब्जी खा लें, वो घर में बन ही नहीं सकती। जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, जितना मर्जी ट्राई कर लें, जो मर्जी मसाले यूज़ करें, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड मेथड्स होते हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। ये टमाटर ऊपर डालने से क्या होगा कि आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और सारा जो ये हमारे टिंडे हैं वो टमाटर का जूस अपने अंदर ले लेंगे। अलग से अमचूर डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, सारा टमाटर अपने आप ही अंदर टिंडे में चला जाता है और बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार होती है। थोड़ी देर बस हमें इसको और पकाना है। ये देखिए, हमारे टिंडे की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको चेक करने का तरीका है, कोई भी टिंडा लीजिए, उसको बीच में से काट के देखिए, आसानी से कट रहा है तो ये बिल्कुल रेडी है। बस आपको क्या करना है, आंच को थोड़ा तेज कर लीजिए और इसका जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो सुखा लीजिए, तो ये खड़ी खड़ी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। इसमें जो हमने मोटी इलायची डाली है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है टिंडे के साथ। अब बस ऐसे हिलाते हुए इसका मॉइस्चर हमें सुखाना है। यकीन मानिए, एक बार आप ये सब्जी बनाएंगे तो गारंटेड आपको यही स्टाइल में ही टिंडे की सब्जी पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए, ऐसे हिलाते रहिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी बढ़िया बनने वाली है ये सब्जी। चारों तरफ से अच्छे से पक गई है, परफेक्ट। गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए, मेरी टिंडे की सब्जी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया बनी है, स्वादिष्ट बनी है। आप भी अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, सब बहुत आपकी तारीफ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी टिंडे बनाने की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ।